वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट है। वर्ल्ड रिजर्ट इनोवेशन के क्वार्टर वन के रिजल्ट कब अनाउंस होने वाले, उस डेट पे हम बात करने वाले हैं। एज वेल एज अभी चार्ट कैसा चल रहा है, चार्ट पे कौन से लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और यहाँ से किस डायरेक्शन में स्टॉक जा सकता है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में तक बने रहिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करंटली स्टॉक को देखेंगे तो इसका सर्किट फिल्टर 20% का और ये किसी भी सर्वलेंस में नहीं चल रहा है। आ चुके स्टॉक के चार्ट पे, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टॉक के चार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 रुपए के लेवल से स्टॉक बढ़ते बढ़ते 101 रुपए के लेवल तक चला गया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे उसमें लगातार इसमें गिरावट देखने मिलती है। ऑलमोस्ट यह एक टॉप था, टॉप के बाद लगातार इसमें गिरावट देखने मिलती है और ये वही टाइम है जब निफ्टी में भी गिरावट शुरू हो चुकी थी। तो एक्चुअली इसमें जो गिरावट है वो आपको पता है मार्केट सेंटिमेंट की वजह से हुई है और कुछ कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से वीक आए हैं, इस वजह से भी नतीजे अच्छे ना आने की वजह से स्टॉक थोड़ा सा गिरा है। लेकिन यहाँ पे अभी करंट सिनेरियो देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव बनते हुए देखने मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने डबल बॉटम लगा दिया है, एक यहाँ पे बॉटम है और एक बॉटम यहाँ पे है। तो जब भी डबल बॉटम स्टॉक लगाता है समझ जाइए स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम देने वाला है। तो यहाँ पर ऑलरेडी डब्लू पैटर्न या फिर कह लीजिए डबल बॉटम बन चुका है और यहाँ पे एक बार टेस्ट भी कर चुका है, 67.30 रुपए का लेवल टेस्ट भी कर चुका है। अगर ये 61 अभी चल रहा है और फिर से 67 जाता है और एक बार और थोड़ा सा लो लगा करके थोड़ा सा नीचे जा करके पिछले वाले लो से हाई लो लगाता है और फिर ऊपर जाता है, डेफिनेटली ये ब्रेक कर देगा। 67.30 के ऊपर जैसे स्टॉक जाएगा काफी तगड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है और 90 रुपए स्टॉक के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि इसका सबके फिल्टर 20% है। और दूसरा तरीका क्या है इस स्टॉक के बढ़ने का कि रिजल्ट जो अब की बार आए क्वार्टर वन के वो प्रॉफिट में आए तब कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो डायरेक्टली आपको ऊपर बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट कब अनाउंस होने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 अगस्त 2022 को कंपनी क्वार्टर वन के रिजल्ट अनाउंस करने वाली है। एज यू कैन सी फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर क्वार्टर वन 30 जून 2022 अलॉन्ग विद लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट। तो यहाँ पे 1 तारीख को अगले महीने कंपनी अनाउंस करने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा हम वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत नोटिफाई कर देंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग पे इंटरेस्टेड है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे 1 अगस्त से आपको रेगुलरली स्टॉक मिलने वाले हैं। बात करें वॉल्यूम की तो 1,67,000 का वॉल्यूम आया है और 98,000 की डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि 58% के आसपास इसमें डिलीवरी उठाई गई है पिछले दिन यानी 29 जुलाई को। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। जिन लोगों ने भी स्टॉक को बाय किया है और वो गलत फहमी में है कि स्टॉक नीचे आने वाला है तो उनको वीडियो जरूर शेयर करके बताइए कि स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की ओर मोमेंटम देने वाला है। तो एज अ शेयर होल्डर बहुत पॉजिटिव ये स्टॉक जाने वाला है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।